नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। SAIL ने 56 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। मैट्रिक व इंटर के दूसरी डमी एडमिट कार्ड जारी। बिहार के इन लोगों को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। सरकारी जमीन अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। बिहार में ईंट गिट्टी और सीमेंट हुए महंगे। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SAIL ने 56 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न डिसिप्लिन में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कुल मिलाकर 56 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन, MBA, PG, डिप्लोमा, CA, CMA, ICWA पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन की तारीख 28 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.sail.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव के एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी, साहित्यकार, पत्रकार, संपादक थे। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आपने गद्य लेखक, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमीर छाप छोड़ी है। भारतीय डाक सेवा द्वारा बेनीपुरी जी के सम्मान में भारत का भाषाई सौहार्द मनाने हेतु भारतीय संघ के हिंदी को राष्ट्रभाषा अपनाने की अर्धशती वर्ष के डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। उनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। बिहार में ईंट गिट्टी और सीमेंट हुए महंगे। बिहार में भवन निर्माण सामग्री के भाव में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। बता दें कि एक बार फिर बिहार में ईंट गिट्टी और सीमेंट के भाव में 15-20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जानकारी के लिए बता दें कि 2 महीने पहले इसकी कीमत जहां 16-18 हजार रुपए तक थी, उसे बढ़ाकर अब 18-20 हजार रुपए कर दिया गया है। जिसके बाद अगर गिट्टी की कीमत की बात करें तो गिट्टी की कीमत 9 हजार से बढ़कर 11-12 हजार रुपए तक कर दी गई है। वहीं सीमेंट की कीमत में 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 400 से बढ़कर 430 रुपए हो गई है। लेकिन इसके बालू और सरिया के कीमतों में 20% तक की कमी भी आई है, जिसके बाद 110 फुट बालू की कीमत 8000 रुपए से घटाकर 6000 से 6500 रुपए तक कर दी गई है। वहीं सरिया की कीमत अभी 6500 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में हो सकता है नगर निकाय चुनाव। काफी दिनों से बिहार में नगर निकाय चुनाव होने की तारीख को लेकर सवाल किए जा रहे थे, जिसके बाद मिली जानकारी के अनुसार बिहार में नगर निकाय चुनाव दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में करवाई जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम 4 अक्टूबर को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था और निर्वाचन की अगली तिथि पर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। वहीं इस चुनाव को लेकर जानकारों का कहना है कि आयोग द्वारा अत्यंत पिछड़े वर्गों की फील्ड स्टडी रिपोर्ट को नवंबर के अंत में या दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में सरकार को सौंप दी जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद ही राज्य में नगर निकाय चुनाव कराया जा सकेगा। मैट्रिक व इंटर के दूसरी डमी एडमिट कार्ड जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक व इंटर 2023 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसे छात्र 1 दिसंबर तक बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि वैसे छात्र जो मैट्रिक के डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, वे विभाग के आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट stp.secondary.biharboardonline.com पर जाकर कर सकते हैं। वहीं वैसे छात्र जो इंटर का डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, वे stp.inter23.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई छात्र अपने डमी एडमिट कार्ड में हुई गलतियों को सुधरवाना चाहता है तो वो 1 दिसंबर तक सुधरवा सकते हैं।
बिहार के इन लोगों को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की ओर से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2019-20 और 21 के लिए विभिन्न विधाओं के लिए 86 कलाकारों का चयन किया गया है, जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बता दें कि अकादमी पुरस्कार पाने वाले जिन बिहारियों का चयन किया गया है उनमें नाट्य लेखन के लिए वरिष्ठ नाटककार ऋषिकेश सुलभ, लोक संगीत के लिए लोक गायिका रंजना कुमारी झा और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए सुदीपा घोष के नाम शामिल हैं। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी की ओर से अमृत पुरस्कार के लिए जिन बिहारियों का चयन हुआ है उसमें बीते 63 वर्ष रंगमंच पर सक्रिय भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन कुमार व वरिष्ठ रंगकर्मी गणेश प्रसाद सिन्हा शामिल हैं। इन सबके अलावा बिहार की मैथिली ठाकुर को भी लोक संगीत के लिए बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जल मंदिर पावापुरी इस वजह से है बेहद खास। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। यह स्थान भगवान महावीर के निर्माण प्राप्ति के लिए विख्यात है। यह मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अति पवित्र माना जाता है। जल मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार की चिता से राख की बड़ी मांग थी। इस मंदिर में भगवान महावीर की बहुत पुरानी चरण पादुका है। यह उस स्थान का प्रतीक है जहां भगवान महावीर के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था, जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा है। वर्तमान संरचना संगमरमर से बनी है और कमल के फूल से भरे तालाब के बीचों बीच है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बने 6000 फीट लंबे पुल के माध्यम से सुलभ है। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और यह 29 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 27% रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात के तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। पीयू स्नातक वोकेशनल की परीक्षा 30 से। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक वोकेशनल परीक्षा की शुरुआत 30 नवंबर से हो रही है, जिसमें सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 2 के बच्चे शामिल होंगे। लेकिन इस बीच छात्र छात्राओं को फॉर्म भरने में, राशि जमा करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर जब छात्रों के द्वारा यह बात परीक्षा नियंत्रक को बताई गई तो उन्होंने यह कह दिया कि यह वेबसाइट का मामला है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर पटना विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि बीवी के पास इसकी कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर फिर भी छात्रों को फॉर्म भरने में या राशि जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए टेक्निकल टीम से बात की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि इस समस्या को दूर किया जाए। शराबबंदी लागू करवाने वाले अधिकारी को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। प्रतिवर्ष 26 जून को पूरी दुनिया में नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। लोगों को नशा त्यागने के संकल्प दिलाए जाते हैं और तमाम जगहों पर लोगों को जागरूक किया जाता है और नशा छोड़ने की सलाह दी जाती है। ऐसे में बीते दिन शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उन अधिकारियों को सम्मानित किया गया जो बिहार में शराबबंदी लागू करवाने में शामिल है। बता दें कि सम्मान समारोह का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में स्थित ज्ञान भवन में किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में शराबबंदी का नियम 2016 में नीतीश कुमार के दिए निर्देश के बाद लागू किया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों और शराबियों पर नकेल कस रही है। बीपीएससी 67वें प्रीलिम्स पास अभ्यर्थी प्रोत्साहन राशि के लिए इस दिन तक करें आवेदन। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उत्तीर्ण सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों को सरकार की ओर से कुल 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी 25 दिसंबर तक आवेदन दे सकते हैं। वहीं आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बिहार सरकार की वेबसाइट wdc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ निर्धारित की गई है, जिसके तहत कोई भी महिला अभ्यर्थी केवल एक बार ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जाएगा। मालवीय पगड़ी व पीले अंग वस्त्र में डिग्री लेंगे पीपीयू के स्टूडेंट्स।
अब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपने दीक्षांत समारोह में मालवीय पगड़ी व पीले अंग वस्त्र में अपनी डिग्री लेंगे, जो कि विश्वविद्यालय की ओर से मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी की ओर से 15 दिसंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यावसायिक सत्र 2018 से 20 और 19 से 21 के गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले और अन्य मेधावी स्टूडेंट शामिल होंगे। वहीं अगर इस कार्यक्रम में कोई अन्य स्टूडेंट शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें 1400 रुपए शुल्क जमा करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पटना यूनिवर्सिटी के प्रशासन की ओर से पोर्टल को लाइव कर दिया गया है, जहां स्टूडेंट्स को जाकर अपने रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बता दें कि इन छात्रों के लिए भी विश्वविद्यालय की ओर से उजला कुर्ता पायजामा या उजला कुर्ता दिया जाएगा। वहीं छात्राओं के लिए सफेद सलवार व लेमन पीला कुर्ता या लेमन पीली साड़ी जिसमें लाल बॉर्डर हो, लाल ब्लाउज के साथ ड्रेस निर्धारित किया गया है। सरकारी जमीन अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के मामले में सख्ती दिखा रही है। इस बीच भोजपुर जिले में वर्ष 2016 से 17 में चिन्हित सैकड़ों जल स्रोतों अब भी कब्जे की सूचना पर जिले के सभी 14 सीओ को 1 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होकर जब तक की गई कार्रवाइयों से अवगत कराने का आदेश दिया गया है। वहीं रोहतास के करगहर प्रखंड के सीधी ओपी क्षेत्र के रीवा गाँव में सरकार की 50 डिसीमल जमीन से मुकम्मल रूप से अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर एसपी आशीष भारती ने थाना व सीडी ओपी में 2018 से अब तक पदस्थापित 5 थानाध्यक्षों को शुक्रवार को निलंबित कर दिया। कार्रवाई की जद में 5 वर्तमान समय में दूसरे थानों में पदस्थापित हैं। हिंदी के सहायक प्राध्यापकों का रिजल्ट घोषित। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से हिंदी के सहायक प्राध्यापकों के 292 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। बता दें कि हिंदी के सहायक प्राध्यापकों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें 279 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि घोषित के अनुसार अनारक्षित वर्ग के 90, ईडब्ल्यूएस के 21, एससी के 74, ईबीसी के 75, बीसी के 9 और डब्ल्यूबीसी के 14 अभ्यर्थी शामिल है। बताते चले कि 777 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था, हालांकि 699 अभ्यर्थियों ने ही साक्षात्कार में हिस्सा लिया। बिहारी छोरे को भाग गई फिरंगी दुल्हन। शादियों के सीजन में कई तरह की अजीबोगरीब शादियां होती है। इसी कड़ी में बिहार के बांका की एक शादी में शामिल हो गई है। बता दें कि बांका के अमित को इंग्लैंड की एक हेलन नाम की लड़की से प्यार हुआ और फिर भारत आकर दोनों पक्ष के पारिवारिक सदस्य की सहमति के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी रचा ली। अमित कुमार इंग्लैंड में इंजीनियर की नौकरी करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इंग्लैंड में रहने वाली हेलन को भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है और यही वजह है कि उसने इंग्लैंड के बजाय भारत आकर शादी करने का फैसला लिया। यह शादी पूरे जिले में लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई है। वहीं स्थानीय महिलाओं को इस विदेशी दुल्हन के बोल को समझने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नशा मुक्ति दिवस पर सीएम नीतीश ने बिहार वासियों को किया संबोधित। बीते दिन नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी लागू है, इसके बाद भी कुछ लोग शराब का कारोबार जारी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि असली शराबी नहीं पकड़ा जा रहा। नीतीश कुमार ने पटना के डीएम और एसएसपी को खोजा और कहा कि कहां गए पटना वाले, अगर पटना कंट्रोल हो जाएगा तो इसका प्रभाव अन्य जिलों पर पड़ेगा, आप लोग यह काम करिएगा ना। सीएम नीतीश ने पटना के एसएसपी और डीएम से यह कहवाया कि हां असली को पकड़ेंगे। राजद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा सिंगापुर जाने से पहले राजद संसदीय बोर्ड की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राजद संसदीय बोर्ड की सूची में दूसरे नंबर पर राबड़ी देवी, तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव, चौथे नंबर पर मिशा भारती को और पांचवें नंबर पर प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह को रखा गया है। इसके साथ ही अन्य सदस्यों में इसमें कुल 14 सदस्यों को रखा गया है, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, कांति सिंह, अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर तनवीर हसन, भोला यादव, अनीता देवी, उदय नारायण चौधरी, शक्ति सिंह यादव और आलोक कुमार मेहता का नाम शामिल है। इसके अलावा 36 विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं। प्रशासन का दावा, सोनपुर में नहीं था अनामिका जैन का कार्यक्रम।
मशहूर कवियत्री अनामिका जैन अंबर के मामले को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कवियत्री के कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। दरअसल मामला यह है कि मशहूर कवियत्री अनामिका जैन अंबर को सोनपुर मेले में काव्य पाठ करने के लिए अधिकारियों के द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद उस कार्यक्रम में मौजूद अन्य कवियों के द्वारा भी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया गया था। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए गए आमंत्रण कार्ड से जिला प्रशासन के इस दावे की पुष्टि होती है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले आमंत्रण कार्ड में 25 नवंबर को किसी कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम के दूसरे कार्ड में काव्य पाठ का कार्यक्रम 25 नवंबर तय किया गया, जो पहले कार्ड में रिक्त था। 28 को पार्टी की स्थापना दिवस मनाएंगे लोजपा के दो गुट। 28 नवंबर को लोजपा का 23वां स्थापना दिवस है। इसके लिए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम पटना के रविंद्र भवन में आयोजित किया जाएगा। बताते चले कि चिराग पासवान के निर्देश पर सभी जिलाध्यक्षों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें स्थापना दिवस से जुड़े तस्वीर आएगी और उसके अनुसार ही चिराग पासवान के द्वारा तय किया जाएगा कि इनमें से किनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल के द्वारा जानकारी दी गई है कि 28 नवंबर को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से पटना के रविंद्र भवन में लोजपा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। छठा वेतन आयोग देने वाला उत्तर प्रदेश 2008 में देश का पहला राज्य बना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष जुआन सोमाविया 2004 में भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इतिहासकार एवं पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति विद्वान काशी प्रसाद जायसवाल का 1881 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर का 1888 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का 1907 में जन्म हुआ। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का 1986 में जन्म हुआ। भारत की प्रख्यात समाज सुधारक लक्ष्मी भाई केलकर का निधन 1978 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक सुल्तान खान का निधन 2011 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे शून्य ब्याज पर कार वित्त प्रदान के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे शून्य ब्याज पर कार वित्त प्रदान के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक पत्र का दौर चल रहा है और दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों को शून्य ब्याज पर कार वित्त प्रदान कर रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र फर्जी है, भारत सरकार ने यह पत्र जारी नहीं किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच आज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। बता दें कि आज का यह मैच सुबह 7 बजे से हैमिल्टन के सीडन पार्क में खेला जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद आज का यह मैच भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले मैच में भारत की ओर से न्यूजीलैंड को 307 रनों का लक्ष्य दिया गया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से भारत को हराकर कुल 309 रन बनाकर जीत अपने नाम दर्ज की थी। बताते चले कि वनडे सीरीज के लिए भारत की कप्तानी शिखर धवन के द्वारा की जा रही है। वहीं अगर आज के मैच की बात करें तो आज के मैच का लाइव स्ट्रीमिंग अमेज़न प्राइम पर होगा और इसके अलावा इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी देखा जा सकता है। 2 मिनट में चेक करें आपके नाम पर कितनी सिम एक्टिव। कई बार देखा जाता है कि आपकी आईडी पर कोई और व्यक्ति सिम चला रहा है और आपको पता भी नहीं है। ऐसे में कई बार दूसरे व्यक्ति के उस सिम के गलत उपयोग करने पर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले tafcop.dgtlecom.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालना और ओटीपी की मदद से लॉग इन करें। अब उन सभी नंबर्स की डिटेल आ जाएगी जो आपकी आईडी से चल रहे हैं। लिस्ट में कोई ऐसा नंबर है जिसे आप नहीं जानते, तब उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए नंबर और दिस इज नॉट माय नंबर को सिलेक्ट करें। अब ऊपर की तरफ दिए बॉक्स में आईडी में लिखा नाम डालें। अब नीचे की तरफ रिपोर्ट के बॉक्स पर क्लिक कर दें। शिकायत करने के बाद आपको एक टिकट आईडी रेफरेंस नंबर भी दिया जाता है। सीपीआई दिसंबर में करेगी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला इकाई के द्वारा सम्मेलन कर यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिसंबर महीने में 19 से 24 के बीच भाजपा के खिलाफ जन सत्याग्रह अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके अंतर्गत भाजपा हटाओ देश बचाओ नया भारत बनाओ का नारा दिया जाएगा। इसके लिए कॉमरेड ओम प्रकाश नारायण व पूर्व MSC संजय कुमार के द्वारा इस अभियान के लिए जन समर्थन की अपील की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से महेश्वरी शाह, सचिव मुनीलाल पासवान, कॉमरेड ब्रजेश सिंह, गौतम सिंह, राम सेवक राय, जलंधर राय, विदेश्वरी यादव, शिवनंदन सिंह, नौशाद उमाकंत, महेश्वर राय, डॉक्टर समीम सहित अन्य लोग भी शामिल थे। पीएम मोदी ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट किया लॉन्च। बीते दिन संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पीएम ने ई कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों और वेबसाइट का उद्घाटन किया। इसमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WAAS वेबसाइट शामिल है। इसके जरिए देश की आम जनता के लिए न्यायिक व्यवस्था सरल हो जाएगी। ई कोर्ट प्रोजेक्ट बताते चले कि वकीलों और न्यायपालिका को ई कोर्ट परियोजना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम अदालतों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए यह एक प्रयास है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, विडमानी सिंह, योगेंद्र यादव, मृत्युंजय कुमार, रुपेश कुमार, अजीमा फिरदौस, शंकर मुखिया, नुन्नू गोलू कुमार, रविंद्र पासवान, राम नवी मांझी, अजीत कुमार यादव, अंशु कुमार, कविता कुमारी, सन्नी आनंद, बली कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, BPSC प्रीलिम्स पास छात्राओं को सरकार के द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी सहायता मिल पा रही है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।